स्टूडेंट, आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम जीसी हाई स्कूल। आज हम आपको क्लास थर्ड में हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 8 समझदार बंदर के क्वेश्चन आंसर राइट कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको इसके शब्द अर्थ करा दिए थे, आपने अपनी नोटबुक में उनको राइट कर लिया होगा और उनको आपको लर्न भी करना है साथ के साथ। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आपको ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर राइट कराएंगे, जिनको आपको सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आप रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, सामान्य रूप से बंदर कहां रहते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सामान्य रूप से बंदर कहां रहते हैं, मतलब बंदर हमें बताना है बंदर कहां रहते हैं। कहां रहते हैं बच्चों बंदर? तो उत्तर में हम लिखेंगे पेड़ पर रहते हैं। हम माने कि सामान्य रूप से बंदर कहां रहते हैं, सामान्य रूप से बंदर पेड़ पर रहते हैं। मैं शॉर्ट में लिखा रही हूं आपको क्वेश्चन आंसर, जिससे कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, क्योंकि आप मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो थर्ड क्लास के, तो इसीलिए मैंने छोटा आपको आंसर लिखाया है कि बंदर, आप चाहे तो उसको सामान्य रूप से बंदर पेड़ पर रहते हैं। गॉट इट? अब हम आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बंदरों के समूह पर बंदरों के समूह परस्पर किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं। बंदरों के समूह परस्पर किस प्रकार रहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे बंदरों के समूह परस्पर मिलजुल कर या मेल से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिलजुल कर रहते हैं, बस इतना भी कर सकते हैं आप कि बंदरों के समूह किस प्रकार रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, गोरिल्ले हाथी को किस अपने गोरिल्ले हाथी को अपने क्षेत्र यानी अपने एरिया से क्षेत्र से
किस प्रकार भगाते हैं? उत्तर है किस प्रकार भगाते हैं, हमने पाठ में पढ़ा था ना, बंदर हाथी की, सॉरी बंदर ने गोरिल्ले पूछा है ना, गोरिल्ले हाथी, यहां आएगा गोरिल्ले, गोरिल्ले हाथी की सूंड पर डाली पेड़ की डाली से मार कर भगा थे, देते थे। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा, प्रश्न नंबर 4, गोरिल्ला का स्वभाव कैसा होता है? गोरिल्ला का स्वभाव कैसा होता है? उत्तर है गोरिल्ला का स्वभाव हिंसक होता है। कैसा? हिंसक यानी मारपीट करने वाला, झगड़ालू टाइप का स्वभाव हिंसक होता है। तो बच्चों ये हो गए आपके चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, जिन सुंदर और साफ हैंडराइटिंग में राइट करना है और उसके बाद फिर इनको लर्न करना है, फिर मुझे सेंड भी करने हैं ताकि मैं चेक कर सकूं। तो आज की क्लास में इतना ही। टुडेज होमवर्क, लर्न एंड राइट, क्लास वर्क इन नोटबुक। आज की क्लास में इतना ही, सी यू टुमारो, स्टे होम, स्टे सेफ।